मॉर्निंग स्टूडेंट, जीओसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्री, जिसको बोलते हैं टाइप ऑफ कार्बन एटम। टाइप ऑफ कार्बन एटम में आ जाता है डिग्री। वन डिग्री प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं, टर्सरी किसको बोलते हैं। तो डिग्री में क्या आता है, वन कार्बन टू अदर कार्बन बॉन्डेड हो, देखो डिग्री में क्या होता है, वन कार्बन टू अदर कार्बन बॉन्डेड हो, वन कार्बन टू अदर कार्बन बॉन्डेड हो तो उस केस में क्या होता है, वन डिग्री कहलाता है। ये भी वन डिग्री और ये भी वन डिग्री। यहाँ एक बॉन्ड है, मतलब यहाँ कितना आने वाला है, तीन हाइड्रोजन। यहाँ पे भी वन डिग्री है, मतलब तीन हाइड्रोजन। वन कार्बन टू अदर कार्बन बॉन्डेड हो, इस कार्बन से टू अदर कार्बन बॉन्डेड हो, ये कार्बन क्या होने वाला है, टू डिग्री। टू डिग्री के लिए टू अदर कार्बन, इस कार्बन को छोड़ के दो अदर कार्बन हो तो वो क्या कहलाएगा, टू डिग्री। ये क्या बन जाएगा, वन वन डिग्री। क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में देखो ये वन डिग्री होगा, इसके रिस्पेक्ट में देखो वन डिग्री होने वाला है। थ्री अदर कार्बन थ्री डिग्री, इस कार्बन से थ्री अदर कार्बन हो, इस कार्बन से थ्री अदर कार्बन हो तो यह क्या होने वाला है, थ्री डिग्री। तो साइड वाला सारा क्या होने वाला, वन वन डिग्री। और फोर फोर डिग्री कब होगा, फोर अदर कार्बन से बॉन्डेड वाले चीज को क्या बोलेंगे, फोर डिग्री। तो साइड वाला सारा क्या होगा, वन वन डिग्री। ठीक है, इसमें अगर बैलेंस करोगे तो थ्री हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 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 थ्री हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है थ्री हाइड्रोजन, थ्री हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हो गया, तीन और एक चार हाइड्रोजन। यहाँ पे एक बॉन्ड मतलब तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन। क्लियर। अब देखो वन डिग्री कार्बन में जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो क्या कहलाएगा, वन डिग्री हाइड्रोजन। तो वन डिग्री कार्बन में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तीन। वन डिग्री कितने हाइड्रोजन होंगे, तीन। टू डिग्री कार्बन में जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो क्या होगा, टू डिग्री का। तो टू डिग्री का कार्बन में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दो। थ्री डिग्री कार्बन में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो थ्री डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा, थ्री डिग्री हाइड्रोजन कितना है, वन। फोर डिग्री कार्बन में जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो फोर डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। बट फोर डिग्री में हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कार्बन का वैलेंसी ऑलरेडी फुलफिल्ड है चार से, तो पांच तो रख नहीं सकता, इसलिए फोर डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। अब मान लो इसी को हम लोग सॉल्व करके कार्बन और हाइड्रोजन बोल करके राइज हो रहा है क्वेश्चन। मान लो ये वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री और इसको फोर डिग्री कर दी। अब देखो बताओ वन डिग्री कितना कार्बन मिला, वन टू थ्री फोर। तो हाइड्रोजन कितना है, वन डिग्री में तीन हाइड्रोजन है तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो, तीन चौक बारह। टू डिग्री का नहीं है, जीरो जीरो। थ्री डिग्री भी जीरो जीरो। फोर डिग्री कार्बन वन है बट उसमें हाइड्रोजन क्या है, जीरो। इस क्वेश्चन के लिए अगर एराइज होता कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें क्या शामिल है, वन डिग्री टू डिग्री, इतना ही देखते हैं। वन डिग्री कितना कार्बन है, दो। उसमें हाइड्रोजन कितना हो सकता है, तीन यहाँ पे है, तीन यहाँ पे, कितना हो गया, ठीक। टू डिग्री कार्बन कितना है, वन। उसमें हाइड्रोजन कितना है, दो। इसके लिए अगर करते बताओ वन डिग्री कार्बन कितना है, वाइट दो तीन। तो हाइड्रोजन कितना हुआ, एक में तीन होता है, तीन तक छह, तीन देखे नहीं। टू डिग्री जीरो, ये भी जीरो। थ्री डिग्री का कार्बन वन है, हाइड्रोजन भी क्या होने वाला, यहाँ पे भी सेम बना सकते हैं, नो डाउट। कार्बन हाइड्रोजन वन डिग्री है सिर्फ। वन डिग्री कितने कार्बन है, दो। वन डिग्री कितने कार्बन है, दो। और हाइड्रोजन कितने वाला है, तीन और तीन छह। क्लियर। तो डिग्री ये है। इसमें सवाल जो अराइज होता है वो सवाल मैं बना रहा हूं, देखो ध्यान दो। वन डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी, टू डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी, थ्री डिग्री को बोलते हैं टर्सरी और फोर डिग्री को बोलते हैं क्वार्टनरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि फाइंड आउट ये क्वेश्चन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन लिख लो, वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री,
अब देखो वन डिग्री कितने कार्बन है, क्या बोले थे, वन कार्बन टू अदर कार्बन बॉन्डेड हो, क्या होने वाला वन डिग्री। अगर थ्री डिग्री चेक करना है तो एक दो तीन, तीसरा ये कार्बन क्या होने वाला है, थ्री डिग्री। टू डिग्री अगर चेक करना हो तो टू अदर कार्बन, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इसके लिए इधर है, क्या हो गया टू डिग्री। इसके लिए फोर डिग्री, फोर अदर कार्बन, वन टू थ्री फोर, तो साइड वाला सारा क्या होने वाला है वन डिग्री, वन कार्बन टू अदर कार्बन, वन कार्बन टू अदर कार्बन क्या होने वाला वन डिग्री। वन डिग्री कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव। इसमें हाइड्रोजन कितना होता है, एक में तीन हाइड्रोजन होता है, वन डिग्री में तीन हाइड्रोजन होता है, तो बताओ कि एच में कितना हो गया, मतलब पांच है ना, वन टू थ्री फोर फाइव, कितना हो गया पांच की यही पंद्रह। टू डिग्री का हाइड्रोजन कितना है, दो, तो उसमें टू डिग्री हाइड्रोजन दो है, इसमें बताओ कि इसमें है हाइड्रोजन, सॉरी टू डिग्री का कार्बन कितना है बेटा वन, और हाइड्रोजन कितना होने वाला है दो। थ्री डिग्री कार्बन कितना है वन, और हाइड्रोजन कितना है वन। फोर डिग्री कार्बन वन है, हाइड्रोजन क्या है जीरो। क्लियर। एक सवाल और बना देता हूं, इसके लिए अगर बनाना हो, यहां पे मैं टेबल बना दे रहा हूं, कार्बन और हाइड्रोजन वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री और ये फोर डिग्री। देखो ढंग से, इसके लिए अगर चेक करें, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन है, मतलब ये क्या होने वाला है वन टू थ्री कार्बन, ये क्या होने वाला है थ्री डिग्री। इसके लिए चेक करना है एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, मतलब ये क्या होना टू डिग्री। इसके लिए एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, ये क्या होना टू डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा टू डिग्री। इसके लिए अगर चेक करो तो एक दो तीन कार्बन, ये थ्री डिग्री। इसके लिए अगर चेक करें तो एक दो तीन चार, फोर अदर कार्बन, फोर डिग्री। इसके लिए तो वन कार्बन टू अदर कार्बन बन रहे तो वन डिग्री, ये भी 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 वन डिग्री। क्या बताओ वन डिग्री कितना कार्बन मिले, बताओ वन डिग्री कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। वन डिग्री कितने कार्बन है, सिक्स। तो हाइड्रोजन कितना मिल जाएगा, एक वन डिग्री में थ्री होता है, टोटल कितना मिल जाएगा, चौपन बारह छत्तीया अठारह। टू डिग्री कार्बन कितना मिला, वन टू थ्री, कार्बन थ्री है, हाइड्रोजन कितने वाला है, दो, दो चार और दो छह। थ्री डिग्री कार्बन वन और वन टू, थ्री डिग्री कार्बन टू है, हाइड्रोजन कितना है वन और वन टू। फोर डिग्री कार्बन वन, हाइड्रोजन क्या आने वाला है जीरो। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखा जाए तो बेटा एक या दो मैं बताता हूँ, बाकी बात सब तुम्हारा, तुमको बताना है, ये होमवर्क रहेगा। तो मैं जो बोलोगे मैं वो बताता हूँ, स्टार्टिंग का मैं दो बताता हूँ, बाकी बात सब तुमको बताना है। तो देखो बेटा, पहले दो बॉन्ड एक तीन, इसमें एक हाइड्रोजन आ जाएगा, दो एक तीन, एक हाइड्रोजन आने वाला, दो एक तीन, एक हाइड्रोजन आने वाला। तो सबसे पहले डिग्री चेक कर ले, यहाँ पे देख लो दो एक तीन और एक चार, ये बैलेंस है। तो सबसे पहले क्या है देख लो, वन कार्बन टू अदर कार्बन बॉन्डेड, थी ये वन डिग्री, ये भी वन डिग्री और ये भी वन डिग्री होने वाला है। अब इसके लिए अगर चेक करते हो तो एक दो, ये क्या होगा टू अदर कार्बन, इससे दो अदर कार्बन टू डिग्री, इससे भी टू अदर कार्बन टू डिग्री, ये भी क्या होगा टू डिग्री। अब इस कार्बन में चेक करें, एक इधर कार्बन, इसके लिए एक इधर कार्बन है, एक इधर है, मतलब ये क्या होगा थ्री डिग्री, थ्री डिग्री और ये भी क्या होने वाला है थ्री डिग्री। तो देखो इसके लिए एक बॉक्स बनाया जाए, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन लिखे, अब क्या लिखते हैं वन डिग्री
टू डिग्री, थ्री डिग्री। देखो वन डिग्री कितने कार्बन मिला, वन टू थ्री, वन डिग्री कार्बन कितना बेटा थ्री, उसमें हाइड्रोजन कितना है तीन, तीन छह तीन नौ। टू डिग्री कितने कार्बन मिला, वन टू थ्री, टू डिग्री थ्री है बट हाइड्रोजन कितना है सिंगल सिंगल, वन टू थ्री कितना हो गया थ्री। थ्री डिग्री कार्बन कितना मिला बेटा, वन टू थ्री, तो हाइड्रोजन क्या होने वाला है, हाइड्रोजन क्या होने वाला है जीरो, क्यों, क्योंकि कार्बन का बैलेंस ही पूरा हो गया, दो एक तीन और एक चार। मैं एक एक सवाल ये बैलेंस कर रहा हूं, देखो ध्यान दो, देखो हर एक पॉइंट पे क्या है बेटा कार्बन है, हर एक पॉइंट पे क्या है कार्बन है हर एक पॉइंट पे, तो देखो दो एक तीन इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहां होने वाला है, दो एक तीन यहाँ पे एक होने वाला है, दो एक तीन यहाँ पे होने वाला है, दो एक तीन यहाँ पे होने वाला है, इस तरह करके यहाँ पे भी होगा एक, एक यहाँ पे भी होगा, एक यहाँ पे भी होगा, एक यहाँ पे भी होगा। अब डिग्री चेक करना है, अब यहाँ पे देखो इसके लिए अगर चेक करें तो दो बॉन्ड इधर दो इधर, चार बैलेंस है, दो एक दो और एक इधर बैलेंस है चार। अब यहाँ पे डिग्री चेक करना है तो डिग्री के लिए क्या कर सकते हैं, देखो वन टू और एक थ्री, इस कार्बन के लिए चेक किया जाए तो इधर एक कार्बन एक इधर कार्बन, एक कार्बन क्या हो रहा है टू डिग्री, इसके लिए अगर चेक करो तो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, ये भी टू डिग्री, इसके लिए चेक करो तो ये भी टू डिग्री ये भी टू डिग्री, बट अगर इसके लिए चेक करते हो तो इसमें क्या आने वाला है, एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन और इसके लिए एक इधर कार्बन, ये क्या आने वाला है थ्री डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा थ्री डिग्री, ये भी टू डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू डिग्री, क्लियर डिग्री। तो ये सब बेटा होमवर्क रहा, ये सब मुझे बना करके यूट्यूब कमेंट पे कमेंट करो, क्लियर। तो एक इसमें बढ़िया सवाल है, वो भी सवाल मैं होमवर्क ही दूंगा, बनाऊंगा नहीं, देखो इसको रब करता हूं, ठीक है। ये सवाल है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का सवाल है, हर एक पॉइंट यहाँ पे भी कार्बन है ये भी कार्बन है, ये दिमाग में याद रखना। तो यहाँ पे सवाल था अगर x 1 डिग्री हो, y 2 डिग्री हो, z 3 डिग्री हो और m अगर 4 डिग्री हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम डिवाइडेड बाई टू क्या होगा, मुझे बताओ यूट्यूब पे कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। पहला सवाल, ये सवाल नोट कर लो, इसके बाद इस पे और दो सवाल बढ़ने वाला है, इसमें और दो सवाल होने वाला है। सवाल है द अल्केन विच हैज ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, ठीक है। द अल्केन विच हैज ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, पहला ऑप्शन है नॉर्मल पेंटेन, दूसरा ऑप्शन है आइसोपेंटेन, तीसरा ऑप्शन है न्यूपेंटेन, चौथा ऑप्शन है 2.3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है बेटा। ये एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, बीएचयू में नीट में ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, क्या बोला है ओनली प्राइमरी मतलब वन डिग्री हाइड्रोजन बोलना, तो वन डिग्री हाइड्रोजन सिर्फ ओनली क्या होना चाहिए वन डिग्री, किसी को बनाओ ऑप्शन, देखो बेटा हम ये सॉल्व कर दे रहा हूँ ये है, बाकी तुम लोग ऑप्शन बनाना, मुझे कमेंट करना कि सर यही आंसर क्या गया,
देखो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, नियोपेंटेन का बेटा कंडीशन ही होता है सेकेंड लास्ट टू मिथाइल ग्रुप शुड बी एडेड, तो सेकेंड लास्ट में दो मिथाइल ग्रुप एडेड होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन होता है बेटा कि इसमें एटलीस्ट फाइव का एटम बॉन्डेड होना चाहिए। तो यहां भी देख लो CH3, यहाँ क्या होने वाला CH3। तो यहाँ देखो बेटा क्या हो रहा है, 4 डिग्री है और साइड वाला सारा क्या होने वाला है 1 डिग्री। 4 डिग्री में कोई हाइड्रोजन नहीं है और जो भी है सारा हाइड्रोजन क्या है प्राइमरी। इसमें अगर चेक करोगे तो देखो क्या है, ब्यूटेन 2 पे मिथाइल और 3 पे मिथाइल, ठीक है। तो इसमें देख लो ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। 3 डिग्री में देखो बेटा यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, तो 3 डिग्री में हाइड्रोजन आने चलते ये नहीं होगा। आइसोपेंटेन यहाँ पे अगर सॉल्व करो CH3, CH2, CH3, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, 3 अदर कार्बन 1, 2, 3, ये 3 डिग्री, 2 अदर कार्बन 2 डिग्री। देखो 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन शामिल हो गया इसलिए ये भी नहीं हुआ। और नॉर्मल पेंटेन में तो नॉर्मली स्ट्रक्चर बना सकते हो स्टेट चेंज, ये 1 डिग्री बट सारे क्या हो जाएंगे 2 डिग्री, और 2 डिग्री में भी क्या होता है हाइड्रोजन होता है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होने के चलते बेटा ये क्या हुआ आंसर नहीं हुआ। क्लियर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो होमवर्क देंगे, द अल्केन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन, क्या लिख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 2 डिग्री का हाइड्रोजन एटम चाहिए। इसमें ऑप्शन है मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है बेटा, इसमें ऑप्शन है पहला ए, बी, सी, डी, ठीक है। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके बताओ आंसर क्या जाएगा, ए बी सी डी में क्या जाने वाला, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेई एडवांस पैटर्न पे है, जेई एडवांस बोल दो, जेई पैटर्न पे मस्ट बी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ओके बेटा बाय, आज के लिए इतना ही। यूट्यूब चैनल को बेटा इसको देखो, सब्सक्राइब करो, इस पर कमेंट करो कि सर कैसा लगा, इस क्वेश्चन का आंसर दो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये जाने वाला है, और सारे क्वेश्चन इसमें अपडेट हुए थे, ठीक है। ओके बेटा बाय।